अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंफॉर्मेशनल हाल में खुश आमदी। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं जब से तहरीक लबैक मैदान अमल में उतरी है तो इसके खिलाफ कादियानियों के साथ साथ कुछ पाकिस्तान में छुपे मुनाफिक लोग जो बज़ाहिर तो मुसलमान कहलवाते हैं लेकिन इस्लाम के खिलाफ ज़बान दराज़ी करते हैं, उन्होंने खुफिया साजिशों का बाजार गर्म किया हुआ है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह तहरीक लबैक के साथ खुफिया साजिश से बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, जबकि अभी तक तहरीक लबैक की मरकजी क्यादत ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। दोस्तों, जब भी इलेक्शन होता है तो हुकूमत की खुफिया साजिश से तहरीक लबैक को शिकस्त देने के लिए और तहरीक लबैक के वोट बैंक को कम करने के लिए इंतखाबी निशान करेन के साथ एक्सवेटर भी दे दिया जाता है। नाजरीन, आप बैलेट पेपर पर वाजे तौर पर देख सकते हैं एक्सवेटर और करेन की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। दोस्तों, इससे बड़ी खबर तो ये है कि हालिया दिनों में कराची के हल्के NA 249 में जो इलेक्शन हुआ है इसमें सैयद शाकिर अली जो कि आजाद उम्मीदवार था उसको एक्सवेटर का निशान दिया गया था। आप देख सकते हैं कि एक्सवेटर किस तरह TLP के वोटों पर डाका डाल रहा है। नाजरीन, वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि बाकी तमाम के तमाम आजाद उम्मीदवार को 100 से ज्यादा वोट नहीं पड़े लेकिन सैयद शाकिर अली को NA 249 में 824 वोट मिले, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये तमाम के तमाम करेन के वोट ही थे जो गलती से एक्सवेटर को चले गए। नाजरीन, क्या आप जानते हैं NA 249 में पीपल पार्टी नून लीग से 500 वोटों के फर्क से जीती जबकि करेन के 1000 के करीब वोट एक्सवेटर को चले गए। नाजरीन, ये 1000 के करीब वोट तो सिर्फ एक हल्का में जाया हुए जबकि अगर पूरे पाकिस्तान का अंदाजा लगाया जाए तो ये लाखों में वोट जाया होने का खदशा है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है आखिर TLP की मरकजी क्यादत अभी तक इस मसला पर क्यों खामोश है। मेरी TLP के तमाम जिम्मेदारान से गुजारिश है कि इतने बड़े धोखे से बचने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करें ताकि आवाम के जज्बात के साथ मजीद ना खेला जाए। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।